नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HX की कमियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पहली कमी यह है कि इसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका बारिश में जब भी ब्रेक लगाएंगे तो इसमें से आवाज़ आएगी। इसकी दूसरी कमी यह है कि इसमें जो सीट में जो स्पेस है वो बहुत कम दिया हुआ है। इसमें आप एक छोटा हेलमेट भी आप नहीं रख सकते, और ड्यूल बैटरी में तो आपको और भी कम स्पेस इसमें मिलता है। इसकी अगली कमी यह है कि इसकी जो सीट है वो बहुत मुश्किल से बंद होती है, इसमें आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है इसको बंद करने के लिए। इसका जो मीटर है उसमें आपको परसेंटेज शो नहीं करता है कितनी परसेंट बैटरी है और कितने परसेंट ये चलेगी, ये भी आपको पता नहीं चलता है इसमें। इसके नीचे आपको बहुत कम स्पेस मिलता है, जिसमें ये कहीं पे भी रोड ब्रेकर्स में टच हो सकती है ये। इसकी अगली कमी ये है कि इसमें आपको स्पेस बहुत कम मिलता है फुटरेस्ट के लिए। और इसमें जो फास्ट चार्जर है उस पर तो कवर दिया हुआ है, लेकिन जो होम चार्जर है उसमें आपको कवर नहीं मिलता है, जिसके अंदर आसानी से पानी घुस सकता है उसके अंदर। तो ये थी इसकी कमियाँ। उम्मीद है हीरो जल्द ही इन्हें दूर करेगा। इसमें कुछ कमियां ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्कूटी है और सबसे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और यदि आप इससे जुड़े हुए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।